हेलो हाय गाइस एवरीवन, ये वीवो का है T1X है। इसको आज अपन पूरा अनबॉक्सिंग करेंगे। जो 12,000 रुपये का फ़ोन आता है, 4 GB 16 4 GB आता है पूरा फ़ोन का। आप देखो फिर अपने पूरा फ़ोन को मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। ये पहले पॉलीथिन को उसको हटा देते हैं। देखो फ़ोन एकदम क्लियर दिख रहा है। और अब इसको पूरा पूरा फ़ोन को अनबॉक्सिंग करेंगे। 4 GB 16 4 GB है और फ़ोन लुक में बहुत ही बड़ा एकदम ज़बरदस्त फ़ोन है। और पीछे इसमें कुछ नॉर्मली फीचर लेके आते हैं अपने पूरा। फिर फ़ोन को पूरा एकदम ओपन करेंगे और देखेंगे क्या क्या, कितने एम एस की बैटरी आती है, कितना वोल्ट का चार्जर है, कैसा फ़ोन आता है। और फ़ोन बहुत एकदम अच्छा शानदार है लुक के अंदर, और 12,000 के अंदर है। वीवो में 12,000 के अंदर इतना 4 66 आना, मतलब पहले भाई 21 आता था, वो 14,000 का आता था, ये 12,000 के अंदर और एकदम अच्छे फीचर में फ़ोन है। इसका अपना पूरा पूरा अनबॉक्सिंग करेंगे और पूरा फ़ोन को देखेंगे। तो आप एक दो बार वीडियो के अंत तक बने रहना, ताकि फ़ोन को बॉक्स को अनबॉक्सिंग कर। देखो यहाँ पे सिम कार्ड आता है, अरे सील पैक आता है, तो इस तरह की कंपनी की सील आती है। ये देखो बॉक्स कैसा है इसका, शानदार लुक के अंदर है। और ये खाली को उसके बाद अपने को इसको निकालेंगे। ये बुक ये आता है एक ऊपर से, उसके अंदर ये प्लास्टिक का एक कवर आता है अंदर, और ये बुकलेट आती है जिसके अंदर वारंटी गारंटी और गाइडलाइन होती है, फ़ोन को किस तरह ओपन करना है, सिम कार्ड किस तरह लगाना है, क्या लगाना है, इसके अंदर सब लिखा हुआ था। और प्लस इसके अंदर एक ये MI का स्टिकर भी आता है, वो शायद निकल गया और यहाँ पर रह गया ऐसा। ये MI का आता है 4 GB 16 GB। ये प्लास्टिक का एकदम स्मूथ कवर आता है, इससे अपने यहाँ से जैसे ये ऊपर का भाग है ना, यहाँ से कैमरा सेफ्टी के लिए, जैसे यहाँ से थोड़ा सा बारीक से ऊपर, ये मार्केटों में शायद ही कवर ऐसे मिलते होंगे व्हाइट कलर में, तो सेम ये डिज़ाइन में मिलना बहुत पॉसिबल नहीं है। और ये पीछे का है जैसे ये हो गया, तो इससे क्या होता है कि जैसे कचरा नहीं जाए अंदर, और चार्जिंग सॉकेट का एकदम फिटिंग हो जाता है। ये स्पीकर का है, ईयरफोन जैक का है, जो भी ब्लूटूथ वायरलेस जो भी होगा इसके लिए। और ये जो कटा हुआ है उसके लिए फिंगरप्रिंट भी है, प्लस ऑन ऑफ की स्विच भी है और फिंगरप्रिंट है। और ये दो प्लस माइनस के लिए कवर बहुत एकदम अच्छा है, और एकदम प्लास्टिक का कवर स्मूथ कवर आता है, इससे होता है तो फ़ोन को एकदम सेफ्टी रखता है। और फ़ोन में हमेशा प्लास्टिक कवर लगाना चाहिए, ताकि क्या होता है फ़ोन गिरे विरे तो कुछ भी नहीं हो। अब इसके बाद अपना देखेंगे पूरा फ़ोन को, और फिर चार्जर है, क्या क्या है पीछे, वो सारे सारे अपना देखेंगे। पहले एक बार फ़ोन को ज़रा सा मैं आपको नॉर्मली दिखा देता हूँ, फिर पॉलीथीन से हटा के दिखाऊंगा। पहले यहाँ रख देते हैं। इसके बाद आता है ये जो आता है फ़ोन के इसके ऊपर ये, और इसके बाद ये आती है केबल। ये देखो ये वीवो की केबल आती है, बहुत अच्छी है। और इसके बाद ये है पिन का केबल, को यहाँ रख दिया, यहाँ पे आती है, ये हो गया। और ये हो गया चार्जर। अब देखो ये चार्जर को यह लिखा था अडेप्टर मॉडल, ये जैसे आया इनपुट है, ये 100+ 100- 246 वोल्ट है, जैसे ये जो भी लिखा इनपुट है, आउटपुट है, साइन है, ये जो नंबर आते हैं वो है। और चार्जर भी बहुत अच्छा है, और सी टाइप केबल भी आता है, सी टाइप चार्जर बहुत अच्छा आता है, स्मूथ आता है। अब उसके बाद ये हो गया, इसको यहाँ पर रख दिया, और इसको वो इसमें रख देते हैं। फिर अपने करते हैं पूरा फ़ोन को अनबॉक्सिंग अपने किया, और अपने फ़ोन को भी अब फ़ोन को देखेंगे भाई फ़ोन में क्या फीचर्स है, कैसा फ़ोन है, उसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। आप वीडियो को एक बार अंत तक जरूर बढ़ा देना। एक बार मेरे वीडियो पर नए हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फ़ोन लुक के अंदर बहुत शानदार फ़ोन है, और 4 GB 16 4 GB 12,000 रेंज के अंदर लुक के अंदर भी बहुत एकदम अच्छा फ़ोन, एकदम स्मूथ फ़ोन है। और इस रेंज में आप किसी भी भाई को लेना हो तो बहुत ज़बरदस्त क्लासिक फ़ोनों में आता है, बहुत शानदार लुक के अंदर है। और आगे का ये देखो ऊपर कैमरा है उसका, और ये वाला, और ये पीछे के दो कैमरे हैं, और ये फ्लैश लाइट है, और ये ऑन ऑफ की स्विच है, और ये फिंगरप्रिंट साइड में आया हुआ है। और ये फ़ोन को मैंने ओपन किया है, अभी आपको पूरा मैं फ़ोन को ओपन कर, स्पीकर है, और ये सी टाइप जैक है, और ईयरफोन का है। और साइज़ में बहुत अच्छा है, जो इसकी साइज़ है वो 6.57 की साइज़ है, और ये साइज़ में फ़ोन बहुत अच्छा है। प्लस पीछे के दो कैमरे फ्लैश लाइट के साथ में, और लुक में ब्लू कलर में बहुत शानदार फ़ोन है। उसका दूसरा भी आता है, यहाँ पर सिम कार्ड गया, ये ऊपर स्क्रीन है सिम कार्ड, लुक के अंदर बहुत बहुत एकदम अच्छा स्मूथ है। और फ़ोन एकदम होल्डर की कितना शानदार लग रही है, जिससे शाइनिंग लुक है उसका, जो पीछे का है वो बहुत एकदम शाइनिंग दे रहा है। और फ़ोन हो गया ये ओपन। अब फ़ोन को अपने देखेंगे अंदर से भी कैसा फ़ोन है, चलने में बहुत एकदम स्मूथ है, एकदम स्लो चल रहा है, जैसे कितना एकदम, जैसे कई फ़ोन होते हैं एकदम धीमे धीमे होते हैं, ये बहुत एकदम चलने में बहुत स्मूथ है। और 12,000 की रेंज के अंदर तो बहुत एकदम क्लासिक और बहुत अच्छा फ़ोन है लुक वाइज में भी। और 12,000 में T1X फ़ोन बहुत ज़बरदस्त है, किसी भाई को भी लेना हो तो एकदम लेने जैसा फ़ोन है। 12-13 की रेंज के अंदर ये सब फ़ोन बहुत अच्छा आते हैं। ऑलरेडी उसकी 12,000 प्राइस है। और ये अपने खोला, अबाउट फ़ोन खोलते पहले 4 GB+ 1 GB एक्स्ट्रा रैम का सिस्टम है। प्रोसेसर बहुत अच्छा है उसके अंदर, कंपनी है स्नैपड्रैगन 680 का,
तो ये भी बहुत अच्छा है एंड्रॉयड 11 है, जैसे अंदर अपडेट का सिस्टम भी आता रहेगा और फ़ोन के अंदर फीचर भी एकदम नॉर्मल टाइप है जैसे बाकी फ़ोनों की तरह है। और ये देखो चलने में बहुत बड़ा स्मूथ है, उसका कैमरा कैसा अपना कैमरा क्वालिटी भी देखेंगे फ़ोन का। देखो कैमरा भी बहुत ज़ोरदार है, आगे का भी सेल्फी भी और पीछे के भी दो कैमरे हैं और बहुत एकदम ज़ोरदार है लुक में भी फ़ोन। और अपने अभी अब इसके देखेंगे पूरे फीचर, जैसे उसके अंदर कितना MAH का बैटरी आती है, कितना वोल्ट का चार्जर आता है, प्लस उसके अंदर कितना क्या प्रोसेसर है, एंड्रॉयड 12 है, स्नैपड्रैगन 680 का आता है, 4 GB रैम है, 16 4 GB फ़ोन मेमोरी है, 1 GB एक्स्ट्रा रैम वाला सिस्टम है उसके अंदर। और डिस्प्ले भी इसकी बहुत अच्छी है और गुड डिस्प्ले में भी आती है क्योंकि 6.58 इंच की इसकी साइज़ आती है और IPS LCD डिस्प्ले आती है, 1080 प्लस पिक्सी PPI 400 PPI होता है वो, 401 का है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर कैमरा भी वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, 480 का ड्यूल कैमरा स्टेप है, पीछे का 50 का है और ये 2 का है, ये ऊपर वाला 50 का है और नीचे वाला 2 का है। और LED फ्लैश है और फुल HD में 30 GPS का वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो इसके अंदर जो वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है फुल HD प्लस 30 GPS का वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम है। और जो आगे का जो फ्रंट की जो कैमरा है ये 8 MP का है प्लस फुल HD 3 GPS रिकॉर्डिंग, उसकी भी रिकॉर्डिंग है, वो जो पीछे वाली कैमरे की 50 की वो उसी की सेम सेम टू इसी में ही वो इसकी भी रिकॉर्डिंग है और 3 GPS की रिकॉर्डिंग के साथ में है। और क्वालिटी में फ़ोन बहुत एकदम ज़ोरदार है, उसके अंदर बैटरी है, बैटरी बैकअप बहुत बड़ा शानदार दिया है, 5000 mAh की बैटरी है उसके अंदर, 5000 बहुत अनफ होती है किसी भी व्हीकल में, 5000 बैटरी कोई कम नहीं मानी जाती है। और 5000 mAh की बैटरी है और 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर है प्लस USB टाइप सी केबल आता है उसके अंदर, जैसे सी टाइप आता है, V8 पहले पुरानी आती थी वो नहीं आती, अभी सी टाइप आता है, तो उससे फ़ोन एकदम स्मूथ और फास्ट होता है, 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। और प्लस उसके अंदर 16 4 GB स्टोरेज है, मतलब जैसे 64 GB की उसके अंदर आप स्टोरेज रख सकते हो, 4 GB 64 GB 1 GB एक्स्ट्रा रैम वाला सिस्टम है, 2 SIM कार्ड लगती है प्लस एक अलग से आप मेमोरी कार्ड भी 1 TB तक लगा सकते हो, 1 TB मतलब 1 TB बहुत अनफ हो गया, 1 TB क्या 64 भी बहुत होता है यूज़ के अनुसार, कुछ ज़्यादा नहीं है। और 1 TB का ये भी सिस्टम दे दिया तो बहुत एकदम अच्छा है, आप अलग से भी एक्स्ट्रा आप लगा सकते हो। और 2 SIM कार्ड है, 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। जनरली मैंने आपको ये चीज़ इसके अंदर से जो जो आती है वो बता दी, उसके बाद भी अपना देखेंगे आगे के भी, तो आप एक बार मेरे वीडियो के अंत तक रहना। जैसे IPS डिस्प्ले हुई, LCD ये भी मैंने आपको बताया, और पिक्सल डिनाई सेट 401 का होता है, PPI जिसको बोलते हैं वो हो गया है। बाकी उसके फीचर हैं वो बहुत अच्छे हैं, जैसे वेट है वो 182 ग्राम का होता है, 128 ग्राम्स जैसे उसका वेट फ़ोन का जो है वो बहुत एकदम हल्का सा 182 ग्राम नॉर्मल होता है। और MM जो होता है वो 8 mm का है और 64 RAM है। और बाकी फ़ोन एकदम क्वालिटी वाइज और कलर में भी बहुत स्मूथ फ़ोन है, चलने में भी बहुत एकदम अच्छा है और क्लासिक फ़ोनों में एक आता है, जिसके इस बजट के अंदर बहुत एकदम स्मूथ फ़ोन भी माना जाता है। और बाकी जो इसके फीचर है वो मैंने आपको नॉर्मली ज़्यादातर सब दिखा दिए हैं और इस रेंज के अंदर ये फ़ोन बहुत अच्छा है। इसके बाकी फ़ोनों के कंपेयर में जाए तो 16 4 GB में ये फ़ोन एकदम बहुत बड़ा स्मूथ है, किसी को चाहिए तो एक बार आप ज़रूर मेरे को बताना, आपको मिल जाएगा। और फ़ोन अच्छा है, क्लासिक है, 11.5 तक भी ये मिल जाएगा, वैसे 12 का है, आपको 11.5 तक न्यू ऑफिशियल पैक और 1 T1X बहुत अच्छा स्मूथ फ़ोन है, चाहिए तो आपको ज़रूर मिल जाएगा।